Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अनुपमा के अमृत ने मालती देवी के जहर को किया बेअसर। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज की कड़ी में ये साफ साफ दिख गया कि जो भी अनुपमा के अंदर है, जो कि बहुत ही पॉजिटिविटी है, अमृत है, उसके आगे हर जहर जो है फेल हो जाता है। वो बात अलग है कि किसी भी अच्छाई को जीत तक पहुंचने के लिए बहुत सारे इम्तिहान देने पड़ते हैं, और वही इम्तिहान अनुपमा के हर रिश्ते में चल रहे हैं। मगर अनुपमा नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ती ही रहती है। तो आज की कड़ी में जो छोटी और अनुज के साथ सीन थे, वो इसी बात का प्रमाण थे कि अनुपमा का जो अमृत है उसने छोटी पे काम किया, और इस बात को लेके अनुज भी खुश हुए, और फिर एक बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग इन तीनों के बीच में दिखाई गई। तो जो मगर था वो इसलिए था दोस्तों कि अब मालती देवी आगे करेगी क्या, चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अनुपमा ने अपनी बात कही छोटी से, अपने तरीके से देविका के बहाने छोटी को वो बात समझा दी जो वो दो तीन दिन से समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी कोशिश के बीच में कोई ना कोई आ ही जाता था। और जहां इतनी सारी नेगेटिव फोर्सेस हो और इतनी स्ट्रांग हो, वहां पे बहुत ही मुश्किल होता है फाइट करना। तो अनुपमा ने अपनी बात छोटी को समझाई, छोटी ने बात समझी और इतने अच्छे से समझी कि उसने अनुपमा को भी सॉरी फील किया, रिया को भी सॉरी फील किया, वही कार्ड रिया के लिए बनाया, और इसी बात को लेके उसने अपनी मम्मी को सरप्राइज भी किया। एक ऐसा माहौल बनाया जो हम पहले देख चुके हैं अनुज अनुपमा और छोटी के बीच में। छोटी जैसे ही अनुज को ये बात कहती है कि मैंने गलती कर दी, मेरे से मिस्टेक हो गई, और बताती है कि कैसे अनुपमा ने देविका को कहा था ये वो सब, तो यहां जो अनुज ने कहा कि अनु ही कर सकती है ये सब, वो बस सही कहा। बच्चों के दिल तक अनुपमा बहुत अच्छे से पहुंच जाती है। अब बात यहां पे ये है कि आज तो अनुपमा ने कर लिया, समझा दिया छोटी को और ये पूरी तरह से बता दिया कि तुझे हम आश्रम नहीं छोड़ेंगे। मतलब कहने का कि हैव फेथ, अपने पेरेंट्स पे विश्वास रखो छोटी, कि हम तुझे कभी भी नहीं छोड़ सकते, तुम हमारी जान हो। अनुज अनुपमा छोटी के बिना अधूरे हैं, ये बात कहने की पूरी कोशिश की अनुपमा ने, और छोटी बहुत खुश हो गई। उस बच्चे के लिए यही तो एक प्यार है जो उसकी पूंजी है, मगर उसको ये नहीं पता कि उसके इसी प्यार का यूज जो है उल्टे तरीके से मालती देवी कर रही है। अब यहां मालती देवी ने तो ठाना हुआ है कि वो अनुपमा को जो है घर से बाहर निकाल के ही रहेगी, उसका बेटा गया भाड़ में, दुखी हो जो हो वो देखा जाएगा बाद में, मगर मैं तो अनुपमा से बदला लूंगी, अनुपमा की बच्ची को ऐसा करूंगी, अनुपमा को बाहर निकालूंगी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और अब जो कुछ भी करने वाला शॉट है उसका जो हम लोग असर देख रहे हैं, वो छोटी के जो प्री कैप हमने देखा है उसमें देख रहे हैं कि छोटी का चेहरा अब फिर से वैसे ही मूड में जा रहा है जो पहले था, क्योंकि परी के बर्थडे की बात हो रही है। यहां पे अनुपमा अनुज पूरी तरह से रिलैक्स है कि छोटी समझ चुकी है, मगर मालती देवी ने फिर से छोटी को पट्टी पढ़ाई है। मालती देवी ने फिर से अनुपमा के प्रति जो जहर है छोटी के अंदर भरा है। तो ये जो पॉइजन मेडिसिन वाला जो चल रहा है अनुपमा के घर पे कपाड़िया हाउस में, इसका असर फिर से हमें दिखा है, क्योंकि अनुपमा जो भी कुछ छोटी को समझाती है मालती देवी उससे उल्टा समझाती है और विद लॉजिक समझाती है, उसको सामने से एग्जांपल्स दिखाती है जो उसको मिल जाती है, क्योंकि मालती देवी को पता है कि अनुपमा हर रिश्ते की वैल्यू करना जानती है। अनुपमा शाह परिवार में अपना जो है रिश्ता कभी नहीं तोड़ पाएगी,
और अनुपमा परी का भी ख्याल रखे कि अब परी आ गई है, तो परी तो अनुपमा जो है परी उसकी पोती है और परी के साथ अनुपमा का अपना एक बॉन्डिंग है, अपना एक रिश्ता है जो अभी बन रहा है। तो बच्चे का जन्मदिन है उसको लेके अनुपमा एक्साइटेड है, मगर यहां पे छोटी इग्नोर नहीं करेगी अनुपमा, मगर छोटी इग्नोर हो रही है इस बात का एहसास मालती देवी छोटी को कराएगी। तो मालती देवी ने तो अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है कि इस बच्चे को मुझे हर हद तक चोट पहुंचानी है, उसी की मां को उसके सामने विलन बनाना है ताकि मैं अनुपमा से बदला ले सकूं। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि अभी तो अमृत को करके जहर को अनुपमा ने अपने घर को बचा लिया है, चोटी के मन में अपना प्यार फिर से जगा लिया है, मगर ये मालती देवी जैसे षड्यंत्रकारी जब तक इर्द गिर्द रहेंगे तब तक अनुपमा ऐसे ही हर लड़ाई को लड़ती रहेगी, जीतती रहेगी, मगर इस सबके बीच में जो नुकसान होगा वो होगा छोटी का। तो कुछ भी करके अब कुछ ना कुछ तो इस मालती देवी का करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो अब आगे आने वाले हालात जो दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि अनुपमा को ही ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, मगर आज अच्छा लगा ये अनुपमा छोटी और अनुज के बीच का सीन, मजा आया देख के। तो क्या कहते हो आप, आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।